اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما امين يا رب العالمين तमाम किस्म की तारीफें अल्लाह ही के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है और दरूद व सलाम हो इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मुहतरम सदर साहब जमाय कराम बुजुर्गो नौजवान दोस्तों परदा नशी खुवान इस्लाम और प्यारे बच्चों अल्लाह तबारक का कानून रहा है कि वो इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को भेजता रहता है इस सिलसिले की आखिरी कड़ी मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आप आखिरी नबी हैं और कयामत तक आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है रसूल ल्लाह वसल्लम जब तक इस दुनिया में रहे अल्लाह के पैगाम को पेश करते रहे जिन लोगों ने मानना था माना और जिन लोगों ने इनकार करना था इनकार किया मानने वाले दुनिया और आखिरत उनकी दोनों कामयाब हो गई न मानने वाले दुनिया में जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजारते रहे और आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम है रसूल वसल्लम जब तक बाहयात रहे आपको मुख्तलिफ मुश्किलों का सामना करना पड़ा कुछ लोग आपके मुखालिफिन हो गए यहां तक के सल्लल्लाहु लाह अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो रहमत का लकब दे करके भेजा था उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू किया किसी ने आपको जादूगर कहा किसी ने आपको काहिन कहा किसी ने आपको शायर कहा अजीब और गरीब नामों से रसूल को पुकारते रहे लेकिन अल्लाह तबारक ने कुरान करीम के जरिए से इस बात का ऐलान कर दिया वमा अर आलमीन दुनिया वाले मेरे नबी को मेरे रसूल को जिस नामों से पुकारें जिस लकब से पुकारना चाहे पुकारें कोई बात नहीं है लेकिन मेरा ऐलान यह है कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं और जिसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को आपकी दावत को कबूल किया वो रहमतों से मालामाल हो गया और जिसने इनकार किया जिल्लत और रुसवाई उसके नसीब में आई चौदह साल का अरसा गुजर चुका है अलैहि लाह वसल्लम को जहां मानने वाले मौजूद हैं तो वहीं लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने वाले भी मौजूद हैं गुज्ता बारह पंद्रह सालों या बीस सालों के दरमियान अगर देखा जाए तो वसल्लम को एक गलत नजरिए से देखा जा रहा है और वसल्लम को गलत नजरिए में पेश किया जा रहा है यह कोई नई बात नहीं है चौदह साल से लेकर आज तक रसूल सल्लाह वसलम की शख्सियत को बदनाम करने की आप सल्लाह वसलम को दहशत गर्द पेश करने की साजिशें हो रही हैं लेकिन इस्लाम के दुश्मन अपने मकासिद में नाकाम होते जा रहे हैं क्यों? कि जिस मकाम और मर्तबे को अल्लाह तबारक ने आपको नवाजा है उस मकाम और मर्तबे को आपसे कोई नहीं छीन सकता इसीलिए अल्लाह तबारक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया ورفعنا لك लक दिक वफाना लक दिक मोहम्मद सल्हसम हमने आपके जिक्र को आपके नाम को आपकी शान को आपके अजमत को इतना बुलंद कर दिया है दुनिया वाले कुछ भी कर लें लेकिन आपका मकाम हमेशा बुलंद ही रहेगा और यह बुलंद मकाम वसल्लम को ही मिला और फिर अल्लाह तबारक वसल्लम को दुनिया के सामने रहमत बनाकर भेजा रहमत बनाकर पेश किया यह सारी दुनिया वालों की खुशनसीबी है मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों की खुशनसीबी है कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। मुसलमानों के नबी नहीं हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के नबी हैं तमाम जहां वालों के लिए आप नबी बना करके भेजे गए हैं अल्लाह तबारक ने इरशाद फरमाया सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर एक सौ आलमीन के हमने आपको तमाम जहां वालों के लिए रहमत ही बना करके भेजा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत रसूल वसल्लम की तालीमत सरापा रहमत रसूल वसल्लम के इर्शादात सरापा रहमत और इससे बड़ी बात यह है कि जिस अल्लाह को हम मानते हैं अल्लाह की जात रहमत वाली जिस कलाम को हम पढ़ते सुनते और उस पर अमल करते हैं वो कलाम मजीद रहमत वाली किताब है जिस मकाम पर, जिस पर, शहर और बस्ती में अल्लाह ताला ने क़रीम को नाजिल किया है वो मकाम वो शहर वो बस्ती जिसको मक्का कहा जाता है वो रहमत और जिस नबी को हम मानते हैं वो नबी रहमत और जिस महीने में कुरान उतरा है वो महीना भी रहमत वाला है जरा आप अंदाजा लगाइए इस्लाम दीने इस्लाम शराब रहमत है और जो आदमी इस रहमत को कबूल नहीं करता और मोहम्मद को रहमत के बजाय दहशत गर्द और टेरिस्ट बनाने पे लगा हुआ है दिन रात मेहनतें और कोशिशों में लगा हुआ है अल्लाह की कसम है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है उतना ही ये उबरेगा जितना के दबाओगे आज इस्लाम को मुसलमानों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाने कुचलने बदनाम करने की साजिशें की जा रही हैं इन हालात में अल्लाह का फजलोकम है उसी की तोफीत है उसी की रहमत है कि लोग धड़ाधड़ इस्लाम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं वसल्लम की जात रहमत है इस्लाम के दुश्मन आपको दहशत गर्दी के रूप में पेश कर रहे हैं लेकिन आइए किस तरह से रहमत से काफिरों के साथ इस्लाम के दुश्मनों के साथ न मानने वालों के साथ आप किस अंदाज से पेश आते थे सरसरी तौर पर चूंकि नमाज का वक्त भी बिल्कुल करीब होता जा रहा है कुछ बातें आपके सामने रहमत के तौर पर नबी रहमत आलमीन के तौर पर कुछ बातें बता करके अपनी बात को मैं खत्म कर देता हूं सबसे पहली बात तो यह है सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तु फरमाते हैं रसूल सच लोगों ने गुजारिश की क्योंकि मक्के में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे उन लोगों पर इस्लाम के दुश्मन उनकी जिंदगी को उन्होंने तंग कर दिया था और कुछ लोग आकर के कहने लगे कुछ साहबा कराम कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम, जो लोग हम पर मुश्किलें पैदा कर रहे हैं या हमको मार तोड़ रहे हैं अजियतें दे रहे हैं आप उनके हक में बदवा कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक में आप बद्दुआ कीजिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लम उबथ लम उबस लानन व इन्ना मा बुइसतु रहमा लोगों ये बात जान लो अगर मुश्किलें आ रही हैं परेशानियां आ रही हैं मारा और तोड़ा जा रहा है अगर तुमको किसी भी अंदाज से परेशान किया जा रहा है तो कोई बात नहीं है बर्दाश्त कर लो ये दिन नहीं रहेंगे अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहमतों वाला मामला फरमाएगा याद रखो तुम मुझसे जो बदुआ की दरखास्त कर रहे हो अल्लाह तबारक ने मुझे लानत यानी लानत भेजने वाला नहीं बदुआ करने वाला नहीं बल्कि अल्लाह तबारक ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है जरा आप अंदाजा लगाइए के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने किस तरीके से यह बात कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदवा करने वाले लानत भेजने वाले बनाकर नहीं भेजे गए हैं बल्कि अल्लाह ताला ने आपको रहमत बनाकर भेजा है और इसी तरीके से सही मुस्लिम की एक और रिवायत अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम के सामने पिछले अंबिया के वाकयात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद साहबा कराम के सामने जिक्र किया और फिर उसके बाद आपने तस्करा किया कि पिछले अंबिया अपने कौम की हिदायत के लिए जहां दुआएं किया करते थे जब उनको परेशानी आती जब मुश्किलों में उनको घेरा जाता तो वो अंबिया अपनी कौम के लिए वही दुआएं दिया करते थे और मैं भी यही दुआ देता हूं और वो दुआ क्या है फिरली कौमी फ इन लामून अम की बख्शिश फरमा मेरी कौम की मकफिरत फरमा फ इन इसलिए कि वो मेरे मकाम और मरतबे को नहीं जानती है जो लोग रसुल्ला सल्ला के मकाम और मरतबे को जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि मोहम्मद रसुल्लासलम सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं और इसी तरीके से एक तो मामला यह है कि आप काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और इस्लाम के दुश्मनों के साथ यह मामला किया करते कभी उनके हक में बद्दुआ नहीं करते बल्कि वसल्लम कहते कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूं अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के साथ किस तरह रहमत का मामला किया है रसूल सलम ने मोमिनों के साथ किस तरह मामला किया है और यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं हम सफर में चार रकात वाली नमाजें दो रकात करके पढ़ते हैं अल्लाह के प्यारे नबी भी जनाब मोहम्मद रसूल सल वसलम ने सफर में चार रकात वाली नमाजों को जोहर असर और ईशा को दो रकात करके पढ़ने का हुक्म दिया है और अगर कोई आदमी सफर करता है तो उसको वो जानता है कि सफर में कितनी मुश्किलें और परेशानियां होती हैं और दो रकात हल्की फुल्की पढ़ लेने के उसके कितने फायदे होते हैं यार वसल्लम की रहमत है कि रसूल वसल्लम ने रसूल वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आसानियां पैदा फरमाई आपने अपनी उम्मत के लिए रहमत का मामला फरमाया यहां तक के चार रकात वाली नमाजें हालत सफर में दो रकात करके पढ़ी जाती हैं और इससे बड़ी बात यह है सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि हम लोग रसूल सल्हु वसलम के साथ बैठे हुए थे एक आदमी आया और कहने लगा अल्लाह के नबी सल मैं हिला हो गया मैं बर्बाद हो गया अल्लाह के नबी ने पूछा क्या मामला है क्या माजरा है तो उस शख्स ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम रोजे की हालत में मुझसे गलती हो गई रोजे की हालत में मैंने हम बिस्तरी कर ली अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ एक गुलाम आजाद करो उस आदमी ने कहा अल्लाह के नबी मैं ये गुलाम आजाद नहीं कर सकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है अगर ये गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो दो महीने के मुसलसल रोजे रखो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये एक महीने के रोजे के अंदर यह गलती हो गई है अब दो महीने के मुसलसल रोजे रोजे रखूंगा तो पता नहीं और कितनी गलतियां होंगी नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम करो अगर ये मसला भी नहीं हो सकता तो साठ मिसकीनों को खाना खिला दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम नबीमी ने कहा के मैं के गरीब फकीर हूं। को खाना कहां से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का मामला देखिए आप वसल्लम अपने कैसे रहमत का मामला किया करते थे मोमिनों के साथ आप कितने रहम दिल थे तीन ऑप्शन आपने रखे ठीक है रमजान में तुमने रोजे की हालत में गलती की है गुलाम आजाद करो कहा कि नहीं हो सकता पैदर पे दो महीने के रोजे रखो कहा नहीं हो सकता कहा साठ मिस्किनों को खाना खिला दो कहा यह भी नहीं हो सकता थोड़ी देर के बाद सल्लल्लाहु ला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर का एक टोकरा तोहफे के तौर पर किसी साहबी ने पेश किया अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद रसूल सल्ला ने फरमायान साइल वो जो सवाल करने वाला था कहा गया उसने कहा अल्लाह के नबी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं हूँ रसुल्लाम ने फरमाया ये जो खजूर का जो टोकरा है तोहफे में मुझे मिला है ये जो खजूर हैं ले जाओ अपने तरफ से सदका कर दो तारे के तुम्हारे उस गुनाह का कफारा हो जाए

काफिरों और मुशरकों के साथ रहमत का मामला मुसलमानों के साथ रहमत का मामला इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम अपने घर वालों के साथ भी रहमत का मामला करते थे आयशीक रज तरमाती है सही बुखारी की रिवायत है कि नबी करीम सल्लाम अपने घर के काम खुद कर लिया करते थे कभी आप घर में झाड़ू दे दिया करते कभी अपने कपड़े खुद धो लिया करते छोटे मोटे काम जो घर के होते हैं खुद कर लिया करते और अपनी बीवियों के काम में हाथ बिटाते थे अल्लाह अकबर जरा सोचें और गौर करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ रहमत का मामला कर रहे हैं और अगर आज कोई आदमी घर में झाड़ू मारने लगे कपड़े धोने लगे घर की सफाई करने लगे तो लोग उसको क्या कहते हैं जूरू का गुलाम ये जूरू का गुलाम नहीं है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कभी आप ये काम करके देखें अपने कपड़े खुद धो लिया करें कभी घर की सफाई कर लिया करें आप अपने आप के अंदर खुशी महसूस करेंगे हाथ बिटाए अकेली औरत वो सारे घर का काम कैसे कर पाएगी कुछ ना कुछ नबी की सुन्नत समझ करके तो करें ये रहमत वाला मामला है और वैसे भी हमारी जो औरतों के साथ जो रहमत है वो सुबह देखने को मिलती है सुबह अगर पांच बजे पानी आता है तो मर्दों की सारी रहमतें सो रही होती हैं क्यों हम निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया तो एक जुमला ऐड कर देते हैं पानी भरने की जिम्मेदारी मेरी औरत की है खुद खर्राटे मार करके सो रहे होते हैं और सर्दी की हालत होती है और हमारे मुसलमान भाई ना नमाज पढ़ते हैं और ना अपने खातिन के साथ हाथ बिटाते हैं यह रहमत वाला मामला नहीं है रसूल सल्लासलम की तालीमत को मद्देनजर रखते हुए घर में छोटे मोटे काम कर लिया कीजिए और ये शर्मवार की बात नहीं है और जो आदमी रसुल्ला सल्ला वसलम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करता है वो इस तरह के कामों में हाथ बिठाता है ये कोई आय वाली बात नहीं है यह और बात है कि कुछ यारों ने इसको जो है इतना बदनाम कर दिया है कि अगर कोई अपनी बीवी का साथ देता है तो उसको जूरू का गुलाम कहा जाता है यह सरासर गलत है प्यारे नबी सल्ला की सुन्नतों का अहतमाम इस माने में भी हम कर सकते हैं रसूल की रहमत खेल रसूल की रिवायत है अल्लाह के प्यारे नबी जनाबी मोहम्मद के पास एक शख्स आया और कहने लगा अल्लाह के नबी सल आपने ऐलान कर दिया है कि फला जगह जिहाद को जाना है मैं क्या करूं जबकि मेरी माँ बीमार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा अपनी माँ की खिदमत कर इसलिए फ़इन्नल जन्नत तहत कदमैहा तहत रिजलैहा इसलिए कि माँ के कदमों तले जन्नत है अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ रहमत वाला मामला किया और कितना मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को दिया है और सही मुस्लिम की एक और रिवायत रावी हदीस अबू रू है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने फरमाया औरतों से फौरी तौर पर नाराज न हो जाया करो औरतें अगर कोई छोटी मोटी बातें तुम्हारे सामने करती हैं तो फौरन नाराज ना हो जाया करो बल्कि हो सकता है कि उसकी कोई चीज तुमको नाराज कर दे लेकिन एक दूसरी चीज से तुमको खुशी भी हो सकती है रसूल अलैहि वसल्लम ने रहमत का मामला करने का हुक्म दिया तो औरतों के साथ रहमत का मामला करना चाहिए आज औरतों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है बहुत ही ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है चाहे वो लोग पढ़े लिखे हो चाहे वो अनपढ़ जाहिल किस्म के हो हर जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलतियां मर्दों की हैं क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बचती है हमको चाहिए कि हम एक दूसरे के हकूक को अदा करते रहें। रसूल वसल्लम की रहमत बच्चों के साथ रसूल वसल्लम बच्चों के साथ क्या मामला करते सही बुखारी की रिवायत है आयशा सिद्दीक फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को बोसा देते हैं बच्चे को बोसा देते हैं तो एक आदमी कहने लगता है अल्लाह के नबी मेरे तो कई एक बच्चे हैं मैं तो अपने बच्चों को बोसा नहीं देता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे दिल से रहमत का मामला निकाल लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं अल्लाह अकबर इसका मतलब यह है बच्चों, बच्चों के साथ रहमदिली का मामला होना चाहिए बच्चों के साथ रहमत का मामला जब नबी करते थे आपका उसवा है हम भी अपने बच्चों के साथ प्यार करें हम अपने बच्चों को बोसे दिया करें हम अपने बच्चों के साथ रहम करम का मामला किया करें और वैसे तो कुछ बाप आजकल के जमाने में मैं कितना तीस मारखा हूं जैसे ही घर में वो दाखिल होता है तो बच्चे ऐसे भागते हैं अपने बाप से कि जैसे बिल्ली आने के बाद चूहे अपने अपने सुराखों में चले जाते हैं अरे बाप किसको कहते हैं रहमत किसको कहते हैं रहमदिली किसको कहते हैं अरे उन घरों के अंदर जा करके देख लो जिनके घरों में दो दो पांच पांच दस दस बच्चे हैं जब घर के अंदर जाते हैं अब्बा आ गए अब्बा आ गए कोई हाथों में कोई जो है लटक रहा है कोई सड़ पे चढ़ के बैठ रहा है कोई बच्चे जो है दाढ़ी से खेल रहे हैं और इस तरीके से बाप के साथ वो मोहब्बतें तकसीम हो रही है वो लोग बड़े बदनसीब हैं जो बच्चे जब सामने आते हैं तो उनको डांटते हैं गालियां देते हैं समझ नहीं आता कि अभी मैं ड्यूटी से आया हूं मैं वो काम करके आया हूं बड़ा तीस मार लगता है बच्चों से मोहब्बत करना सीखो यह नबी का उस्वा है। प्यारे नबी जनाबी बच्चों के साथ रहमत का मामला किया करते थे और सही बने की एक और रिवायत मालिक रज फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे अलैहि वसल्लम जब अनसार के बच्चों के पास से गुजरते तो आप वसल्लम बच्चों को सलाम करते और बड़े प्यार और मोहब्बत से उनके सरों को सहलाते थे अल्लाह अकबर अरे बच्चे बच्चे होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता उनका कोई मसलक नहीं होता उनकी कोई जमात नहीं होती वो किसी ग्रुप बंदी से नहीं होते अगर बच्चों के साथ अगर रहमत का मामला हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और नबी ने यह तालीम दी है नबी की जात सबके लिए रहमत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतों को तकसीम करने के लिए आए थे इतना ही नहीं बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों मस्किनों के साथ रहमत का मामला किया करते थे रसूल वसल्लम गरीबों और मस्किनों फकीरों के साथ मोहताजों बेवाओं के साथ रहमत का मामला किया करते थे सुनन इब्ने माजा की रिवायत है अबू सईद खुदरी कु रज्ला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसकीनों से मोहब्बत किया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी करते اللهم मिसकीना مسكينا وامیتنی मिसकीना واحشرنی शुरनी फी المساکین ऐ अल्लाह तआला मुझे मिसकीनों में जिंदा रख और मिसकीनों में मुझे मौत दे और कल कयामत के दिन मिसकीनों के साथ मुझे उठा दे अल्लाहू अकबर लेकिन आज हमारी हालत ऐसी है हम किसी मिसकीन को गरीब को अपने सामने आने नहीं देते कहीं हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे कहीं हमारा सूट गंदा हो जाएगा अरे किसी से हाथ मिलाएंगे तो हाथ गंदा हो जाएगा याद रखो कबर की मिट्टी ही में हमको जाना है मिट्टी से पैदा किए गए हैं और मिट्टी में हमको दफन किया जाएगा मिनहा खलकनाकुम वह फीहा नुआईद वह मिन तारा तो नुखरा जाना उसी में है क्या करोगे ये तमाम चीजें लेकर के मिस्कीनी की जिंदगी सल्लम को पसंद थी आपने मिस्किनों के साथ रहमत का मामला किया है चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता है। सिर्फ एक हदीस हैवानों के ताल्लुक से नबी करीम रहमत का मामला कैसा करते इस बात को बयान करके अपनी बात को मैं खत्म कर देता हूं सही बुखारी की रिवायत है अबू हरे रजी अल्लाह तारन फरमाते हैं रसूल वसलम ने फरमाया कि एक आदमी को प्यास लगी थी कुएं में गया पानी पिया बाहर आकर के क्या देखता है कि एक कुत्ता प्यास की वजह से जबान लटकाए हुआ हुए है और वो कुएं में दोबारा जाता है अपने मोजे में पानी भर लाता है और फिर उस कुत्ते को पिलाता है और इस तरह का एक वाकया एक औरत के ताल्लुक से भी है जो जानिया थी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैंने एक कुत्ते को पानी पिला दिया रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक ने अपनी रहमत से उसको जन्नत में दाखिल किया जरा सोचिए और गौर किए कीजिए रसूल वसल्लम ने जानवरों के साथ रहमत का मामला रहमदली का मामला करने की ताकीद फरमाई है जो नबी इंसानों के साथ जो नबी काफिरों के साथ जो नबी मुशरिकों के साथ जो नबी मोमिनों के साथ जो नबी घर वालों के साथ जो नबी औरतों के साथ जो नबी बच्चों के साथ जो जो नबी नबी के साथ, जानवरों और के साथ रहमत का मामला कर सकता है, वो नबी दहशत गर्द कैसे हो सकता है इसलिए मुसलमानों खुलासे कलाम यही है कि नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद सरापा रहमत हैं इस रहमत को कबूल कीजिए अल्लाह तबारक ताल से दुआ कीजिए कि आलमीन ला हम तमाम को इस रहमत को कबूल करने की तोफ़ी अता फ़रमाए आए अल्लाह तारा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल अल्ला वसलम की तलीमत पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमा जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख और ख़ातिमा बिल खैर फरमा व सल अल्लाह नबीन महमदिन वही वसाब अजमैन वसलम वरमि वरक